राजधानी में गुरुवार देर रात्रि हुई बर्फबारी से शिमला कुफरी मार्ग अचानक जाम हो गया। फिसलन के कारण कुफरी से शिमला आ रहे वाहन अचानक फिसलकर सड़क पर यकायक रुक गए, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और ट्रैफिक जाम लग गया। इस जाम में लगभग 11 बसें और छोटे वाहन फंस गए। पुलिस प्रशासन ने रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 300 यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला। रात करीबन 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन यात्रियों में से ज्यादातर लोग स्थानीय ही थे। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक मार्ग बहाली का काम जारी रखा गया। फिलहाल शिमला से कुफरी जाने वाला मार्ग बहाल है। पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि बर्फबारी और रात के समय में सफर करने से बचे, लेकिन फिर भी लोग प्रशासन के निर्देशों को अनदेखा कर जान जोखिम में डालकर ऐसे रास्तों पर जाते हैं। साथ ही में प्रशासन ने ये कहा कि फागू कुफरी व ढली में तैनात पुलिस स्टाफ की सलाह को माने और अगर वो जाने को मना करे तो अपनी यात्रा में बदलाव करे। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, हालांकि बीच में 19 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल शाम को बर्फबारी शुरू हो गई थी और जब बर्फबारी शुरू हुई तो कुफरी और फागू के बीच में कुछ ज्यादा बर्फ गिरी, जिसकी वजह से जो इस रास्ते पर गाड़ियां चल रही थी वो फंस गई। आगे 2HRTC की बसें चली थी और उनमें से जो अगले वाली बस थी वो स्पीड करी, थोड़ा लेफ्ट साइड चली गई, जिसकी वजह से जाम लग गया और जाम की स्थिति में हमारी लगभग 300 गाड़ियां उसमें फंस गई थी। बर्फबारी जारी रही और हम गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते रहे। किसी तरीके से बस को निकाला, उसके बाद जो छोटी गाड़ियां थी उनको निकाला। हमारा स्टाफ रात 1 बजे तक काम करता रहा। वर्क्स डिपार्टमेंट ने हमें काफी सारा सहयोग दिया और हम सारी गाड़ियों को वहां से निकाल पाए। हमारे पास टोटल 11 बसेस थी, लगभग 300 छोटी गाड़ियां थी और लगभग 300 के लोग जो थे इस बर्फ में फंसे हुए थे। कुछ टाइम के बाद बर्फ थम गई थी और रोड क्लियर किया गया था और पुलिस के सहयोग से, सबके सहयोग से इन गाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया। पर्यटक कम थे, ज्यादातर लोकल लोग इसमें थे जो फंसे हुए थे। शिमला पुलिस हमेशा ही अपने फेसबुक पेज पे या दूसरे माध्यमों से लोगों को जागरूक करती रहती है कि इस तारीख को जो है मौसम खराब होने की संभावना है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि जिस दिन भी मौसम खराब होने का अनुमान हो उस दिन यात्रा अपना पोस्टपोन करें, या जो आप ट्रैफिक कांस्टेबल रोड के कंडीशन के हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं उनकी बात मानें। अननेसेसरली रात के समय चलना और वो भी बर्फ वाली सड़क पर चलना सबके लिए परेशानी का सबब बनता है, तो इस स्थिति से बचना अच्छा रहेगा। खुल गई है, दोनों तरफ गाड़ियां चल रही हैं और मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मौसम ऐसा रहा तो गाड़ियां चलती रहेंगी। काफी सारे लोग हमारे अधिकारियों को हमारे दूसरे माध्यमों से भी, फेसबुक के माध्यम से भी पूछते रहते हैं कि शिमला का सड़कें कैसी हैं। शिमला आना कोई दिक्कत नहीं, शिमला आना हमेशा आसान रहता है। शिमला तक पहुंचना, अगर बर्फ भी पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो रोड थोड़ी देर समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत आना यहाँ पे संभव होता है। शिमला से आगे अगर नारकंडा या कुफरी या हायर रिचीज पे जाना है, उसके लिए जो है उस वक्त की स्थिति के अनुसार आप पुलिस से बात करने या 1077 पे जो डिजास्टर हेल्पलाइन है वहां से बात करके अपनी यात्रा तय करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत भदन की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।